संत प्रवर श्री अभिलाष साहेब जी की श्रद्धांजलि सभा में मंचस्थ श्रद्धेय संतजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, व्यक्ति और वस्तु, प्रकृति प्रदत्त अवस्था में हुआ करते हैं। उस अवस्था में व्यक्ति और वस्तु का कोई विशेष मूल्य नहीं होता है। काष्ठ हो, मिट्टी हो, लोहा हो, उसका कोई बहुत मूल्य नहीं होता है। उसी तरह से प्रकृति प्रदत्त अवस्था में मनुष्य का भी कोई विशेष मूल्यांकन नहीं होता है। जब उसको व्यवस्था मिलती है, अवस्था का ही विशिष्ट रूप व्यवस्था है। अवस्था में ही जब भी उपसर्ग लगता है तो व्यवस्था सब निष्पन्न होता है। वस्तुओं में व्यवस्था मनुष्य के द्वारा आती है और मानव जीवन में व्यवस्था मनुष्य के श्रम और साधना के द्वारा। यदि मनुष्य अपने जीवन को सही श्रम और साधना से व्यवस्था देता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। इस प्रसंग को मैं सीधा स्वरूपलीन श्री अभिलाष साहब जी से जोड़ देता हूं। उनके जीवन में भी उनकी जिज्ञासा से, उनकी श्रम साधना से जो व्यवस्था मिली उसके जीवन को, उनके जीवन को, जो उनके जीवन को बहुत अनुकरणीय, बहुत श्रद्धेय बना दिया। इस संत परंपरा की एक प्रक्रिया है जिसमें पहले सत्य को जानने की उत्कंठा हो, उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। जिज्ञासा थी श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन में, जैसा कि उन्होंने वार्ता के क्रम में मुझसे भी कहा कि हम शिवोपासक थे, राम की उपासना करते थे, ये उनकी जिज्ञासा है। जिज्ञासा आदमी को चलाती रहती है। जिज्ञासु उसके जीवन को कहते हैं जिसके अंदर निरंतर खोज की प्रवृत्ति बनी रहती है, उनका अनुसंधान जारी रहा। उसी अनुसंधान के क्रम में वो सदगुरु श्री राम सूरत साहेब जी के शरण में आ गए। उनके पूर्व की जो मान्यताएं थी, सदगुरु कबीर के निर्भ्रांत पारक सिद्धांत के आलोक में कुछ जड़ता पूर्ण दिखाई पड़ने लगी और वो अनुसंधानशील व्यक्ति बहुत हृदय से पारक सिद्धांत को अंगीकार किया। तो मैंने कहा सत्य को समझने की इच्छा जिसके पास है उसको जिज्ञासु कहते हैं। उठी हुई जिज्ञासा को अपने जीवन में चरितार्थ करने के लिए जब प्रयास करता है तो उसको हम साधु कहते हैं। साधना जब निष्पन्न हो जाती है तो वो संत हो जाते हैं। जब अपने साधना जन्य अनुभव से दूसरे के हृदय को आलोकित करने लगते हैं तो सदगुरु पद पर चले आते हैं। एक क्रमिक विकास संत श्री अभिलाष साहेब जी के जीवन में, प्रबल जिज्ञासु थे, इसलिए सत्य को समझने के लिए निरंतर उनका प्रयास जारी था। जब तक सच्चाई के तल पर नहीं पहुंच गए तब तक उनकी खोज जारी रही। उस सत्य को समझने के लिए, स्वरूप अनुभव के लिए वो साधना परायण हो गए, साधु के रूप में जाने जाने लगे। धीरे धीरे उन
उनका चित्त निष्कलुष और निष्कंप होने लगा, क्योंकि संत उसे कहते हैं जो शांति को उपलब्ध हो जाते हैं। सचमुच अभिलाष साहब जी के बाह्य अभ्यंतर जीवन को देखकर मालूम पड़ता था कि शांति प्राप्त पुरुष हैं वो। उनके मानसिक जीवन में जो शांति, वाचिक जीवन में शांति, शारीरिक जीवन में शांति, कहीं बोलते चलते उनका अंग विक्षेप विशेष नहीं होता था। अभी भी जहां तहां लोग कहते हैं कि बोलते बहुत से लोग हैं, लेकिन संश्री अभिलाष साहब जी बोलते थे तो बोलने वाला मालूम पड़ता है कि जड़बत है एकदम। उनकी सांस आती जाती थी, सबको पता नहीं चलता था, न अपने प्रवचन के भाव को स्पष्ट करने के लिए वो हाथों को हिलाते नहीं थे। प्रवचन के समय उनका कहीं कोई अंग विक्षेप नहीं होता था, इसलिए उनका भीतर बिल्कुल शांत हो गया था। उद्वेग तो उनके जीवन में था नहीं, इस साधना से मानसिक उद्वेलन का उन्मूलन हो जाता है। ठीक ही महर्षि पतंजलि ने कहा, ध्यान हेस्तवृत्तयः, ध्यान साधना से मन के अनिष्ट वृत्तियों का प्रशमन हो जाता है, उनके सारे मानसिक उद्वेग करीब करीब निर्मूल हो गए थे, न कामोद्वेग और न लोभोद्वेग और न क्रोधोद्वेग। मानसिक उद्वेगों में तीन उद्वेगों की प्रमुखता है, वो कामोद्वेग है, लोभोद्वेग है और क्रोधोद्वेग है। कामोद्वेग उनके पास नहीं था और लोभोद्वेग भी धीरे 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 एकदम गिर गया। तो उनके संपर्क में मैं आया, मेरे संपर्क में वो आए, तो देखता था कि कुछ पैसों को जिसमें झोले में पैसे रहते थे उसको बगल में लटकाए रहते थे। धीरे धीरे जब उन पैसों से कुछ विकर्षण हुआ तो पैसे वाले झोले उनके कंधे से गिर गए, किसी और के हाथ में चला गया। लोभ का उद्वेग भी कम हो गया उनका, और अप्रिय बातों को सुनकर जो आदमी के मन में क्रोध का उद्वेग होता है, कई बार मंच पर मेरी मौजूदगी में उनकी लोगों ने बड़ी भर्त्सना की, जिसको मैंने माफ नहीं किया। इन अभिलाष साहब जी के मन पर उसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। कोई अच्छा कहे तब, कोई बुरा कहे तब, स्तुति परक बातों को सुनकर के वो रोमांचित नहीं होते थे, हर्षित नहीं होते थे, और निंदा परक बातों को सुनकर के उनके मन में कहीं विषाद नहीं होता था, ऐसी सहज स्थिति में हो गए थे। जैसे अक्सर आदमी कामनी को देख करके उसकी कामुकता उभरती है, कांचन को देख करके उसका लोभ उभरता है, जिसके सदगुरु कबीरदेव ने कहा साधकों से कि कनक कामनी देख के तू मत भूल सुरंग। कनक और कामनी के संपर्क में विचलित नहीं होने वाली सहज स्थिति संश्री अभिलाष जी की। उनकी साधना का पक्ष बहुत क्रमिक रहा है, जिज्ञासु हुए, सत्य का अनुसंधान करने लगे, समझ में बात आई उसको अपने जीवन में घटित करने के लिए उस साधना करने लगे, साधु पद पर आ गए। निरंतर साधना अभ्यास वैराग्य पूर्वक जीवन जीते हुए शांत पद में आए तो संत हो गए। उसके बाद अपने साधना जन अनुभव को प्रवचन के द्वारा, लेखन के द्वारा,
समाज को देने लगे तो गृणाती सदुपदी सती, सत्यासत्य निर्णयात्मक ज्ञान देने वाले को हम सदगुरु कहते हैं। और गीता का जो समत्व योग है वो भी करीब करीब संत श्री अभिलाष जी के जीवन में चरितार्थ, जैसा कि हमारे परमप्रिय घनश्याम साहब ने कहा कि जिसको वो देखते थे वो समझता था कि साहब जी हमको सबसे अधिक मानते हैं। फिर दूसरा कोई, जैसे आप लोग देखते हो कभी कैमरा होता है फोटो खींचने वाला, उसके सामने चक्राकार एक चरखी होती है, जो फोटोग्राफर होता है जिसकी फोटो लेता है उसको कहता है कि इसी चक्र पर अपनी दृष्टि को तुम केंद्रित कर दो। अब उस अवस्था में जब चित्र लिया जाता है, अब उस चित्र के सामने आप खड़े हो जाओ तो मालूम पड़ेगा चित्र सबको देख रहा है। हजार आदमी सामने हो तो मालूम पड़ेगा वो चित्र हमको ही देख रहा है। ऐसे संत श्री अभिलाष जी का ज्ञान समत्व योग में प्रतिष्ठित था, उनके लिए कोई अपना कोई पराया नहीं, इसलिए वो सभी के लिए प्रिय थे, सब उनके लिए प्रिय था। तो जिज्ञासु के रूप में उनको हम देखते हैं, साधना करते हुए साधु के रूप में देखते हैं, साधना जन्य अनुभव के प्रवचन और लेखन से जनमानस के अंदर अध्यात्म भाव को उभारने का प्रयास देखते हैं। तो जिज्ञासु, साधु, संत और सदगुरु, अध्यात्म मार्ग की चारों प्रक्रियाएं संत श्री अभिलाष जी के जीवन में घटित। एक बात मैंने कहा, जो बात मैंने कहनी चाहिए कि व्यक्ति और वस्तु प्रकृति प्रदत्त अवस्था में, और जब वस्तु को व्यवस्था मिलती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। एक काठ है पड़ा हुआ है, कोई बहुत मूल्य उसका नहीं है, उसमें वक्रता है, उसमें कोई असारता है, बहुत से लोग देखते हैं चले जाते हैं। उसी वक्रता और असारता लिए हुए लकड़ी पर जब किसी काश्तकार की निगाह पहुंच पड़ती है और ले जाता है अपने कारखाने में, अपने औजार से उसको छील माट करके उसकी वक्रता को असारता को जब दूर कर देता है तो धीरे धीरे उस लकड़ी का मूल्य बढ़ने लगता है। व्यक्ति के द्वारा उसमें व्यवस्था आ गई, उसका जब कोई फर्नीचर तैयार हो जाता है उत्तरोत्तर उसको सूक्ष्मतम व्यवस्था मिलती जाती है, उसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। उसी तरह से लोहा है, मिट्टी है, प्रकृति प्रदत्त रूप में जो अवस्था में जो मिट्टी का ढेला है क्या मूल्य है उसका, जब व्यक्ति की निगाह उस पर पड़ती है उस मिट्टी के ढेले पर व्यक्ति अपनी कला को उतार देता है, कहीं दिया बन गया हो तो घर में प्रकाश दे रहा है वही मिट्टी का ढेला है, कहीं खिलौना बन गया, कहीं कलाकार की निगाह पड़ी उस मिट्टी के ढेले को गणेश जी के रूप में रूपांतरित कर दिया तो हर घर में पूजा लेने लगता है। तो वस्तु को भी व्यवस्था मिलती जाती है उसका मूल्य बढ़ता जाता है। उसी तरह से व्यक्ति अपने श्रम सदाचार साधना के द्वारा जब अपने जीवन को व्यवस्था देता है तो वह श्रद्धेय हो जाता है, वह आचार्य मानने जाया जाता है। आचरितुं योग्यः आचार्यः, जिसका संपूर्ण जीवन की चिंतन वचन आचरण समवर्ती और परवर्ती पीढ़ी के लिए आचरण करने योग्य हो जाए उसको हम आचार्य कहते हैं। जिनका संपूर्ण जीवन लोगों के मन को प्रभावित करे, जिसके पास पहुंचते पहुंचते लोग विवश हो जाए उनके सामने झुकने के लिए, नमन करने के लिए। श्रद्धेय पुरुष किसी को अपने पास झुकाते नहीं है, उनके जीवन में वो आकर्षण होता है जो वहां पहुंच करके आदमी झुके बिना रहता नहीं। यह भी शक्ति संत श्री अभिलाष जी में, उनके पास पहुंचते पहुंचते आदमी का अहंकार गिरता था और उनसे नमन करने के लिए, उनको नमन करने के लिए आदमी विवश हो जाता था। जब संबोधि प्राप्त हुई भगवान बुद्ध को
तो साधना काल में उनके चार पांच साथी थे। जब किसी एक महिला के हाथ से भगवान बुद्ध ने खीर खा ली, उनके साथी लोग निराश हो गए कि सिद्धार्थ पथभ्रष्ट हो गया, छोड़ चले सब लोग। जो संबोधि प्राप्त हो गई महात्मा बुद्ध को, तो अपने बिछड़े साथियों की खोज में उचल पड़े। बोधगया से राजगीर आ गए, जहां गृदगुर पर्वत पर उनके प्रथम प्रवचन हुए, जहां जापान बौद्ध संघ के द्वारा विश्व शांति स्तूप बना हुआ है। अब वहां से चलते चलते वो काशी के सारनाथ चले आए। उनसे बिछड़े उनके सभी साथी दूर से उनको देखा, कहा कि कभी हम नमन नहीं करेंगे इसको, पथभ्रष्ट आदमी है, इसकी साधना भ्रष्ट हो गई है। अब वो लोग साहस बटोर रहा है कि आते हुए सिद्धार्थ परिवर्तित नाम बुद्ध का हम अनादर करेंगे, उसका नमन नहीं करेंगे। धीरे धीरे भगवान बुद्ध अपने बिछड़े साथियों की तरफ बढ़ते गए और उसका धैर्य टूटता चला गया। जैसे सुबह का अंधकार साहस बटोरे कि उगते हुए सूरज के प्रकाश का हम मुकाबला करेंगे, तो उसका साहस टूट जाएगा कि नहीं? रात्रि का सघन अंधकार, सूरज का उदय काल आया, अंधकारों ने सोचा कि हम सूरज का मुकाबला करेंगे। जैसे उषा काल आया, सूरज की लालिमा आई, सूरज अभी पूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं हुए हैं, उषा को देख करके ही, सूरज की लालिमा को देख करके ही अंधकार डगमगाने लगा, उसकी हिम्मत टूटने लगी। और जैसे सूरज का उदय हुआ तो अंधकार लापता हो गए। वो अप्रतिहत तेज भगवान बुद्ध के सामने, उनके पांचों साथियों के अंदर अहंकार का, अवज्ञा करने का अंधकार, सब साहस बटोर रहा है कि आते हुए सिद्धार्थ का हम लोग आदर नहीं करेंगे, नमन नहीं करेंगे। जैसे जैसे भगवान बुद्ध पर बिछड़े साथियों की तरफ बढ़ते गए, उसका साहस टूटता गया और निकट जैसे आ गए, पांचों विवश हो गया उनके चरणों पर गिरने के लिए। जिनके मन वचन कर्म की एकता होती है, जिसकी साधना निष्पन्न हो जाती है, जो संत पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं, संसार के लोग उसका नमन करने के लिए विवश हो जाता है। वो गुण संत श्री अभिलाष जी में, वो संतत्व, वो साधुता, वो शांतिपूर्ण जीवन, जिनके पास पहुंचते पहुंचते आदमी झुकना चाहता था। श्री अभिलाष साहब का जीवन सदा आचरणीय है, आचार्य पद पर है। जिसके चिंतन वचन आचरण संवर्ती और परवर्ती पीढ़ी के लिए अनुकरणीय हो, आचरणीय हो, उसी व्यक्ति को, उसी व्यक्तित्व को हम आचार्य कहते हैं। आचरितुम योग्य आचार्य, एक कम वर्गीय शिक्षा प्राप्त किया हुआ आदमी स्वाध्याय के बल पर इतना अगाध ज्ञान का भंडार अपने अंदर किया। वो कभी कभी मेरे पास बैठे रहते थे, हम उनके नजदीक रहते थे। अमुक ग्रंथ के रचयिता कौन है, संस्कृत साहित्य का नाम ले। मैं पढ़ाया उसको, उसका नाम भूल जाता था। उनको नाम याद है किस ग्रंथ का लेखक कौन है, इतना गहनतम अध्ययन उनका था। इसलिए भी आचार्य हैं कि आज चुनौती शास्त्रार्थान, शास्त्रों के गुह्यतम रहस्यों को चयन करने की क्षमता जिसके पास है, उसको आचार्य कहते हैं। इसलिए वो आचार्य भी हैं और श्रद्धेय भी हैं। उनका बाह्यंत्यम अभ्यंतर जीवन इतना प्रांजल, जस कथनी तस करनी और तस रहनी, कथनी करनी और रहनी का जो सामंजस्य उनके जीवन में था, उनको श्रद्धेय बना दिया। उनके जीवन काल में हम लोग उनको श्रद्धा देते थे, उसके हम इतने उपकृत हैं
बल्कि निधनों प्रांत भी, छत्तीसगढ़ ऐसा प्रांत में, ऐसे बिहार में भी उनके निधनों प्रांत, हमारे बिहार में बहुत बड़ा बड़ा भंडारा जिसमें सभी वर्ग के लोगों ने भोजन किया। कई जगह तो हमसे लोगों ने कहा कि साहब जी की हम लोग शोक सभा मनाना चाहते हैं कि खबरदार, ऐसे पुरुष की शोक सभा नहीं, ऐसे पुरुष की श्रद्धांजलि सभा मनाई जाती है। शोक सभा तो अपूर्ण व्यक्ति के लिए, जो समाज के लिए अभिशाप हो उसके लिए शोक करो, जो जीवन काल में श्रद्धे थे वो मरने पर मरणोपरांत भी श्रद्धे रहेंगे। इसलिए जहां भी कार्यक्रम रखो श्रद्धांजलि सभा के रूप में, बिहार में भी भिन्न भिन्न स्थानों में उनकी स्मृति में बहुत बड़ा बड़ा भोज भंडारा, कहीं कहीं गरीबों के बीच कपड़े का वितरण भी और सत्संग प्रवचन भी। लेकिन छत्तीसगढ़ तो भारत के प्रांतों में सबसे उपकृत प्रांत छत्तीसगढ़ है संश्री अभिलाष साहब के लिए। यहां के तमाम नर नारियों में बहुत प्यारे थे, बहुत श्रद्धे थे, इसे यहां के लोगों ने जगह जगह श्रद्धांजलियां मनाई, श्रद्धांजलि सभाएं की, भोजन भंडारा का आयोजन किया और वह क्रम आज तक जारी है। आज भी दो दिवसीय कार्यक्रम हुए, हमारे संश्री मुक्तिशरण साहब को मालूम पड़ रहा था कि कुलियारी गांव की धरती, यहां के भाई बहन भी संश्री अभिलाष साहब जी के ज्ञान से उपकृत हैं और यहां श्रद्धांजलि मनाई नहीं गई, इनके हृदय को खटकता था। इसलिए दो दिवसीय सत्संग समारोह के अंतिम सत्र को, समापन सत्र को सर्वपल्ली संत प्रवर श्री अभिलाष साहब जी की श्रद्धांजलि सभा के रूप में उन्होंने मनाया। पूर्ण पुरुष के लिए एक शब्द तो कहा जा सकता है, आज हम कबीर को देख नहीं रहे, कबीर के आमने सामने हम कुछ प्रश्नोत्तर नहीं कर रहे हैं। ये कबीर, कबीर सिद्धांत और कबीर साधना पद्धति का क्रियात्मक रूप अगर देखना चाहे तो वो रूप था संत श्री अभिलाष साहब का। कबीर को अभिलाष में झांका जा सकता था। कबीर साहब का दर्शन क्या है उनके व्यक्तित्व में पढ़ा जा सकता था। सदगुरु कबीर के वैराग का क्या उच्चतम रहस्य है वो संत श्री अभिलाष जी के व्यवहार में देखा जा सकता था। इसलिए कबीर, कबीर सिद्धांत, कबीर की साधना, उसका क्रियात्मक रूप का कोई था तो संत श्री अभिलाष का जीवन। इसलिए आज दर्जनों जगह जब उनका निधन हुआ, कितने बजे हुआ पता नहीं, लेकिन 4 बजे हमारे पास किसी अन्य संतों ने नहलावा से फोन तो नहीं गया, कहीं से हमको फोन मिल गया। मैंने कतई प्रतीक्षा नहीं की, इलाहाबाद के लोगों ने हमें जानकारी क्यों नहीं दी, मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, मैं इलाहाबाद के लिए नहीं जा रहा हूं, मैं इलाहाबाद वासी के लिए नहीं जा रहा हूं, मेरा संबंध था संत श्री अभिलाष जी से, उसके नाम पर मैं इलाहाबाद जा रहा हूं। जैसे किसी अज्ञात सूत्र से मालूम हुआ कि संत श्री अभिलाष साहब जी नहीं रहे, तुरंत मैंने अपने साथियों से कहा कि तुरंत गाड़ी निकालो, तुरंत मैं गाड़ियां बैठ गया। तब तक इलाहाबाद में छत्तीसगढ़, गुजरात, नेपाल, तमाम उनके जो उपकृत भक्तगण थे अच्छी भीड़ उपस्थित कर दी थी वहां, जो कभी किसी के हृदय में इस संभावना नहीं थी इतनी जल्दी हमलाओं के ऊपर से अपनी कृपा की छाया हटा करके श्री अभिलाष साहब जी चले जाएंगे। आश्चर्य लगा लोगों को, कुछ लोगों को तो विश्वास नहीं होता था। समाधि के पूर्व मैंने सब लोगों से कहा इसी समय एक छोटी सी श्रद्धांजलि सभा होनी चाहिए,
हुई, जिस कार्यक्रम को आपने अंतिम यात्रा के रूप में कैसेट में देखा करते हैं, उस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करके फिर मैं चलने लगा तो दिल्ली वालों ने कहा कि वहां चलिए, वहां भी श्रद्धांजलि सभा मनाएंगे हम। मैं इलाहाबाद से सीधा दिल्ली चला गया, वहां भी श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करके फिर बिहार लौटा। अब जगह जगह श्रद्धांजलि सभा, सब लोग चाहेंगे गुरु जी आप यहां आइए, हमके सब जगह जाना संभव नहीं है, लेकिन श्रद्धांजलि सभा मनाओ, बिहार की धरती भी उपकृत है उनके दर्शन से, उनके प्रवचन से। उपकृत पीढ़ी दर पीढ़ी रहेगी जो अनमोल साहित्य ज्ञान का भंडारो दे गए। मैंने कल भी कहा था कि शरीर से वो मेरे पास नहीं है, वो अपने चिंतन से, अपने आचरण से, जीवन जीने की एक अद्भुत पद्धति से सर्वदा हमारे सामने मौजूद रहेंगे। वो ऐसे पूर्ण दिव्य स्वरूपलीन संश्री अभिलाष साहब जी के प्रति मैं अपनी तरफ से, मंचस साधु संतों की ओर से, सभास्थल में बैठे धर्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, साधु ब्रह्मचारिणियों की ओर से सत सत श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करते अपनी बातों को विराम दे रहा हूं।